नजरीन देखें ये मिलके जो है ना इसको उतारने की कोशिश की जा रही है और हाथों पे चुभ जाए ना बीच में छलक। ये देखें एक मिनट ये देखें ये चिपक गया हाथ के साथ। ये देखें कितनी मुश्किल होती है यकीन जाने के मजदूर बंदे की ज़िंदगी। और ये बच्चा कहता है कि मेरा चेहरा भी नहीं दिखाना लेकिन मैं चाहता हूँ कि दिखा दूँ। हाँ जी दिखा दें। और कह रहा नहीं ये देखो ये देख सकते हैं जी ये वो बच्चा है जो साथ उसकी हेल्प कर रहा है मेहनत करके उसको उतार रहे हैं। जनाब बेगम मेरी जो है पालक को धोने लगी है क्योंकि उबाला था उसको उबाला दे दो कि आप धोने लगी उसको या कड़वा पानी उसका निकालना है। ये देखें जी आपके सामने ये उसमें डाल रही है। ये देखें जी ये उसमें डाल दी है फिर बनाएगी दोबारा ये पानी उसमें डालेगी निकालेगी उसमें डालेगी। ये देखें जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। याद नहीं है अल्लाह आपको खुश रखे दुनिया और आखिरत की भलाई दे आसानी का फरमाए। देखें जी बेगम मेरी जो काम कर रही है आपके सामने ये देखें कि कितना हम खर्चा करके आए हैं। ये मेहनत करके जो है वो मेत्रा साफ कर रही है। डंडलियाँ जो है वो साइड पर कर रही डंडलियाँ वो बहुत ज़्यादा है डंडलियाँ मेत्रा ऊपर कम है और डंडलियाँ ज़्यादा है और ऊपर से पत्ते पत्ते उतार रही है और जो है उसकी डंडलियाँ कुछ कुछ साइड में फेंक रही। मैंने उसको मना किया कि आखिर पाल पे जो है वो तो कुछ इस्तेमाल करेगा कुछ इस्तेमाल कर नहीं कर रही ना होने के बराबर कर रही थोड़ा सा ना होने के बराबर उठा उठा के फेंकी जा रही है। उधर वो कहते हैं कि नहीं हाँ मैंने इनको कहा कि वो कहते हैं कि ये इधर से जाना मशीन के बीच में कचरा के जाना उसका कुतर कुतर की छोटी जगह की जा रही है। नाज़रीन ये देखे जूता जो है आपको दिखाने जा रहे हैं आप कितने का आया था ये इसी तरह ये अपना सॉरी ये जूता बेगम को लेकर दिया कि इसलिए कि अच्छी चीजें होती है बार बार बंदा ले सकते को बार बार महंगे को इतफा करके ले ले कहीं आने जाना होता है खुशी गमी में कहीं रिश्तेदारों के यहाँ इसलिए लोग ये ना कहें कि जी आपकी मिसेज को एक बर्तन है बोल नहीं सकती सुन नहीं सकती गुंगी उसके साथ उनके साथ ना इंसाफी ये क्यों। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी नहीं इनके मायूस नहीं होने दिया और परेशानी होने दिया और इसके इतराज से पहले इसकी ख्वाहिश से पहले चीज़ें लाके लेते हैं रात जैसे ही तो ना हो लेकिन मैंने अभी तक अपना शूज़ नहीं लिया क्योंकि मेरा शूज़ कम अज कम कुछ 1000 रुपये का आसपास आएगा या उस तरह से महंगा हो और ये साल वो बकर का भी दिया है और ये इनका वो बकर कह रहा है कि मुझे पहना है बाकी बच्चों को देखकर उनकी खेल कूद का ही इनके बना हुआ है अपना ये बाजरा पड़ा है किसी की मानद है हमारे पास वो ले जाएंगे इंशाल्लाह। पहला तो हमारे यहाँ मानद रखे गए बच्चे ऊपर चढ़ते बच्चे आपके सामने पढ़ाई कर रहे खेल भी रहे हैं साथ पढ़ भी रहे हैं उनके लिए दुआ करनी है आपने दुआ करें जहाँ रहे दूसरे सलामत रहे। नाज़रीन ये देख रहे हैं ये रोड़ा पड़ा था रोड के ऊपर ही और ये मैं इस तरफ से आ रहा हूँ और जबकि मैं यहाँ से गुजरा हूँ और मैंने रास्ते में तकरीबन 5 रोड़े हटाए छठा रोड़ा ये हटा रहा हूँ क्योंकि किसी का भी हादसा हो सकता था अब मैं इसको हटा रहा हूँ। नाज़रीन ये देखें ये रोड है इसके दरमियान में लगता है कोई ट्राली वाला गुजरा है उसने कोई एहतियात नहीं की किसी किस्म की और कोई भी यहाँ आने जाने में जब गुजरता है स्पीड होती है तो कोई हादसा हो सकता है लोगों को एहतियात करनी चाहिए इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। अब मैं इसको उठाता हूँ मेरा दिखाने का मकसद ये ज़रूरी इसलिए नहीं था कि मैं नेकी करता हूँ आप लोगों को दिखाता फिर हूँ ये नहीं मकसद ये था कि लोग इस तरह के काम ना करें कहीं भी हादसा हो सकता है अल्लाह खैर करे। मेरा इस इस्लाह के लिए ये पैगाम था सिर्फ इस्लाह के लिए बाकी और कुछ नहीं इस्लाह के लिए क्योंकि इस तरह हादसा होते हैं जब होता है तो उस वक्त पता चलता है कि हादसा क्या चीज़ होती है हादसा कितना ख़तरनाक होता अल्लाह ना करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्यारे व्यूअर जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें हमारी दुआएं आपके साथ हैं अल्लाह आपसे राज़ी हो। नाज़रीन आपने हमारा चैनल इंसानियत अब्दुल्ला सर्च करें लाइक करें वीडियो शेयर करें। नाज़रीन मैंने नमाज तो पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर हो गई
और सुबह शाम के जो अज़कार होते हैं सुबह के वो भी हो गए। अब मैं तिलावत कुरान पाक सूरत यासीन पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ा करें। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कोई शख्स घर से जब बाहर हो तो कहीं इक्का दुक्का कोई एक रात मिस हो जाए तो अलग बात है, जब घर पे होता हूँ तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सूरत यासीन तो मैं सोती नहीं है, और दूसरा सूरत रहमान भी पढ़ता हूँ तकरीबन, मेरे वक्त मिस हो जाता है मैं ऐसे क्योंकि नहीं, और सूरत बकरा वो भी तकरीबन कोशिश करता हूँ रूटीन के साथ पढ़ो, लेकिन कभी कभार वो भी मिस हो जाती है, लेकिन दो तीन रुको चार रुको वो भी मैं पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे भी गुजारिश है आप भी पढ़ा करें, बच्चों को पढ़ाएं और मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। और अब सर्दी शुरू हो गई, यकीन जाने कि हम सुबह 4:30 बजे उठते हैं, मैं ख़ुद सबसे पहले वाशरूम से फारिग हुआ नहाया फ्रेश होके कंगा शीशा करके जिस तरह आप देख रहे हैं मुझे, और सफाई के बाद फिर जो है दिमाग पढ़ते हैं अल्लाह का जिक्र उसकार करते हैं। इसी तरह मैं बच्चों को भी उठाता हूँ, उनको उठाते वक्त उनको दुआ पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बादमा वअतअना अलैहि नुशूर वइलैहि नुशूर, यानी क्या तो ये दुआ पढ़ाकर उनको फिर बेदार होते हैं, अपना वो भी वर्ज़ू किया नमाज पढ़ी और फिर सुबह सुकून की तैयारी करते हैं, फिर मैं सुकून भी छोड़ता हूँ। नाज़रीन आयशा जो है ना बर्तन धो रही है, आपके सामने काफ़ी सारे बर्तन पड़े हुए थे, कुछ ये धोने लगी है और साथ साथ मगरब भी हो चुकी है, अजानें होने वाली है, मैंने नमाज पढ़नी है। बल्ब जलाओ, ये बेगम मेरी ने बल्ब जला दिया जी, ये जल गया है, और ये खाना शाना बनाते बनाते आप लेट हो जाएंगे, वो सारा बहुत भूख लगी हुई है। ये देखें जी ये पालक जो है मेथरा मेथरा हमने बनाया था, ये देश की भी इतनी छोटी रखी है बेगम मेरी ने, और जो है ये आपके लिए दुआएं कर रही है जी दुआएं। साथ ये टमाटर अभी टमाटर में लेके आया हूँ, और ये चिकन डालेंगे आपके सामने, ठीक है जी ये 1 kg चिकन है, और ये बच्चे जो है ना खाएंगे इंशाल्लाह। बच्चों ने फरमाइश की थी कि बाबा हमारे लिए चिकन लाए जी, मैंने कहा जी ठीक है जी ताबेदार इनके लिए चिकन लाया। फातिमा कुछ कहोगी, सलाम तो करो जोर से बोला करो। हाँ जी फातिमा भी आप लोगों को सलाम कह रही है जी। नजरीन देखें ये मिलके जो है ना इसको उतारने की कोशिश की जा रही है, और हाथों पे चुभ जाए ना बीच में छलक, ये देखें एक मिनट ये देखें ये चिपक गया हाथ के साथ, ये देखें कितनी मुश्किल होती है यकीन जाने के मजदूर बंदे की ज़िंदगी। और ये बच्चा कहता है कि मेरा चेहरा भी नहीं दिखाना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दिखा दूँ। हाँ जी दिखा दें, और कह रहा नहीं ये देखो ये देख सकते हैं जी, ये वो बच्चा है जो साथ उसकी हेल्प कर रहा है मेहनत करके उसको उतार रहे हैं। नाज़रीन आपने हमारी वीडियो देखी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश आपसे है कि हमारे चैनल को जिन बहन भाइयों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप सबकी मेहरबानी होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने जानने वाले न जानने वाले सबको शेयर करें, आपकी मेहरबानी होगी। बाकी बाय बाय करो, बहुत शुक्रिया, दुआएँ दे रही है, अस्सलाम वालेकुम।